Hi everyone, today we are going to start wire accessories. In last lecture we have studied about wire mounting. हम लोगों ने boiler mounting देख लिया था, वहाँ पर different type of mounting हमने देखा था, जिसमें आपको steam stop valve था, blow off cock था, fusible plug था, pressure gauge, safety valve, ये सब हमने वहाँ पर देखा था। अगर वो lecture आप नहीं देखे होंगे तो वो lecture देख लीजिएगा। आज हम लोग boiler accessories पढ़ने वाले हैं कि boiler में क्या क्या accessories लगता है, तो lecture शुरू करते हैं। वैसे जो लोग इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और चैनल की फैसिलिटी को और इम्प्रूव कराना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं इसे, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है pekun.com का, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस चैनल को कुछ डोनेट कर सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, वहाँ पर जो भी आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बॉयलर एसेसरीज़। बॉयलर एसेसरीज़ एक तरह का वैसा इक्विपमेंट, वैसा डिवाइस होता है जो बॉयलर की एफिशिएंसी को, जो प्लांट के एफिशिएंसी को, जो स्टीम प्लांट होता है जिससे हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उस प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में बेनिफिट होता है। तो ये बॉयलर एफिशिएंसी क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पर जो भी बॉयलर से जो फ्लू गैसेस होता है जनरली उसका यूज़ किया जाता है, और मतलब इसका यूज़ हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी को या प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज। बॉयलर एसेसरीज आर दोज कंपोनेंट्स विच आर इंस्टॉल्ड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉयलर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। जो भी स्टीम प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग बॉयलर के इनसाइड या बॉयलर के आउटसाइड लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा था जब हमने पढ़ा था बैबकॉक एंड विलकॉक्स, वहाँ पर आपको एक नज़र आया था सुपर हीटर में, वहाँ पर बताया था, अगर आप वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा, सुपर हीटर के बारे में वहाँ पर बताया था कि एक सुपर हीटर लगा हुआ होता है। तो वो एक तरह का एसेसरीज है, इसी बॉयलर का एसेसरीज है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं प्लांट, जो स्टीम प्लांट है उस प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। बिकॉज जो हम लोग यहाँ पर हीट जनरेट करते हैं बर्निंग करके, उसके कंपेरिजन में जो आउटपुट मिलता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब एफिशिएंसी कोई भी पावर प्लांट का, स्टीम पावर प्लांट का एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है, आई थिंक 50 से अबव भी नहीं होता है, वो 20, 30, 35 के आसपास ही रह जाता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग एसेसरीज को वहाँ पर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद थोड़ा सा एफिशिएंसी को उसका इंप्रूव कर पाते हैं। आगे देख लेते हैं। बॉयलर एसेसरीज आर डिवाइसेज विच आर नॉट कंपलसरी टू बी अटैच टू इट, बट इफ वी यूज देम इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। बोल रहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, उस एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बॉयलर का एसेसरीज, बॉयलर में जो एसेसरीज लगता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर इंस्टॉल्ड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे बॉयलर का एसेसरीज। माउंटिंग हमने देखा था, माउंटिंग एक तरह का डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, बॉयलर का सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसको हम लोग बॉयलर पे ही माउंट करते हैं। बट एसेसरीज वैसा डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ प्लांट के, जो स्टीम प्लांट है जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी या पावर मिल रहा है, उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉयलर से ही कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कि बॉयलर एसेसरीज है ये। हम लोग देखेंगे आगे लेआउट के फॉर्म में कि कैसे कैसे बॉयलर के साथ ये लगा हुआ होता है। अब आगे देखते हैं बॉयलर एसेसरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर एसेसरीज कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुछ यहाँ पर बॉयलर एसेसरीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको फीड वाटर जो होता है, फीड पंप होता है, वो हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर, सुपर हीटर होता है वो देख लेंगे, उसी तरह से इकोनोमाइजर होता है और एयर प्रीहीटर होता है। वैसे आप लोगों को कुछ लेक्चर में मैं बताया था, जब मैं क्लासेस ले रहा था तो वहाँ पर लेक्चर में आपको बताया था। तो एयर प्रीहीटर हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया इकोनोमाइजर, थर्ड हो गया सुपर हीटर एंड फोर्थ हो गया फीड पंप। इनके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे और इमेज भी देख लेंगे कैसे कैसे होता है, और लास्ट में आपको एक लेआउट में बताऊंगा जहां पर आपको सारा कंबाइन करके बता दूंगा कि बॉयलर के साथ साथ कैसे कैसे अटैच होता है, कहां से फ्लू गैसेस निकल कर किस में जाता है, कहां से स्टीम कहां से ट्रैवल करता है, ये सब आज हम लोग बेसिक थोड़ा सा डिटेल यहां पर देख लेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, यहाँ पर पहले हम लोग बॉयलर एसेसरीज के बारे में, डिफरेंट एसेसरीज के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या वर्किंग होता है, क्यों यूज़ किया जाता है और किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आपको इसे एक लेआउट के फॉर्म में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर ये माउंटेड होता है, कैसे कैसे ये कनेक्टेड इंस्टॉल्ड होता है, किसके बाद क्या इंस्टॉल्ड होता है, और जो स्टीम जो फ्लो होता है वो कैसे कैसे फ्लो होता है, वन बाई वन कहाँ जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर एक तरह का बॉयलर का एसेसरीज है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं जो भी एयर इन हो रहा है फर्नेस के अंदर, बॉयलर का जो फर्नेस होता है उसके अंदर जो एयर इन होता है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बॉयलर में जो एयर इन कर रहा है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बॉयलर का एसेसरीज बोल रहे हैं। मतलब बॉयलर का एफिशिएंसी को ये इंक्रीज़ करेगा। होता क्या है कि जो भी एयर अगर बाहर से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर नॉर्मल होगा तो हमें थोड़ा सा कम एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी मिलता है। बिकॉज एयर हम लोग सप्लाई फर्नेस में इसलिए करते हैं कि वहाँ पर जो कोल का बर्निंग हो वो प्रॉपर हो जाए। तो अगर थोड़ा सा हम लोग हॉट एयर को अगर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोल के बर्निंग में हेल्प होगा, जिससे कि क्या होगा, थोड़ा सा हमें कुछ टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर और जल्दी वहाँ पर बर्निंग होगा, तो वहाँ पर जो एफिशिएंसी मिलना था उससे हमें इंप्रूव एफिशिएंसी मिलेगा। तो इसलिए हम लोग एयर प्रीहीटर का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में एयर प्रीहीटर का यूज़ आप देख लीजिए, इट इज़ अ वेस्ट हीट
It is a waste heat recovery device in which the air tube on its way to the furnace is heated utilizing the heat of exhaust gases or flue gases. जो भी exhaust gases होता है, exhaust gases का जो exhaust gases होता है उसका heat को ये utilize करता है, और जो एयर इन कर रहा है, जो फ्रेश एयर इन आ रहा है वो फर्नेस के अंदर, फर्नेस में हम लोग एयर इन कराते हैं बिकॉज वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो भी बर्निंग हो रहा है उसका, अगर एटमोसफेयर का वहाँ पर जो भी एटमोसफेयर है वहाँ पर अगर उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं वहाँ पर सराउंडिंग का, तो वहाँ पर बर्निंग में हेल्प मिलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके सप्लाई करते हैं फर्नेस के अंदर। तो उसका इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हीट वेस्ट हीट हो रहा है, वेस्ट हीट जो जा रहा है, आपको पता है जो भी बर्निंग होता है, बर्निंग होकर जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके वो हम लोग चिमनी से बाहर आउट कर देते हैं। तो बाहर जो आउट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट हीट है, आपको ध्यान में होगा, चाहे हम टू व्हीलर यूज़ करते हो, चाहे हम फोर व्हीलर यूज़ करते हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, दोनों में आप देखिएगा जो भी बाहर निकलता है एग्जॉस्ट से उसका भी टेम्परेचर सफिशियंट टेम्परेचर रहता है, जिससे कि आपका बॉडी वहाँ पर कभी आप टच करते होगे हाथ तो वो बर्न जल जाता है, वो बर्न हो जाता है। तो अगर उस हीट को भी हम यूटिलाइज कर लें तो कहीं ना कहीं हमारा इफिशेंसी जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, यहाँ पर जो भी चिमनीज से जो वेस्ट बाहर निकलता है उस वेस्ट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी एयर इन कर रहा है एयर प्री हीटर के थ्रू हम लोग सप्लाई करते हैं, और वहाँ पर जो भी एयर इन कर रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे कि हमें वहाँ पर बॉयलर का जो एफिशिएंसी मिला वो हमें इंक्रीज़ हो जाएगा, जो बॉयलर का हमें जो ओवरऑल प्लांट का जो एफिशिएंसी मिल रहा है वो हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। अब आगे देख लेते हैं, द फंक्शन ऑफ एयर प्रीहीटर इज़ टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर बिफोर इंटर्स द फर्नेस। जो एयर प्रीहीटर होता है वो क्या करता है, जो भी फ्रेश एयर या एयर इन कर रहा है फर्नेस के अंदर उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना इसका जो होता है फंक्शन होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि जो भी फ्रेश एयर इन होता है बॉयलर के अंदर, जो फर्नेस के अंदर जहाँ पर कंबशन होता है वहाँ पर हम लोग फ्रेश एयर का सप्लाई करते हैं वहाँ पर कोल की बर्निंग के लिए, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके हम लोग सप्लाई करते हैं। तो उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का काम कौन करता है, एयर प्रीहीटर ही करता है। इसका नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एयर प्रीहीटर मतलब पहले से उसको हीट हम लोग कर लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग सप्लाई करेंगे तो उसको एयर प्रीहीटर बोलते हैं। बाकी देख लेते हैं, उसके बाद क्या बोला, प्रीहीटेड एयर एक्सेलरेट्स द कंबशन एंड फैसिलिटेट्स द बर्निंग ऑफ कोल। वही बोला जो मैं अभी बता रहा था आपको, जो प्रीहीटेड एयर होता है वो एक्सेलरेट करता है कंबशन को एक्सेलरेट करता है, और फैसिलिटेट द बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल का हम लोग बर्निंग करते हैं फर्नेस में उस बर्निंग को वो फैसिलिटेट करता है, उसके कंबशन में हेल्प करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एयर प्रीहीटर का यूज़ हम लोग किस लिए कर रहे हैं और यूज़ कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी वेस्ट हीट है, जो भी एग्जॉस्ट गैसेज है उसमें जो वेस्ट हीट है उसका हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, उससे हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करा देते हैं जो भी फ्रेश एयर आ रहा है उसके अंदर। अब आगे देख लेते हैं कैसा ये दिखता है इमेज के फॉर्म में, वो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका एयर फ्री हीटर है, एक तरह का ट्यूब्स जैसा ही होता है, जैसे कि बॉयलर में हम लोग नंबर ऑफ ट्यूब्स देखे थे उसी टाइप का ये भी होता है। यहाँ पर जो फ्लू गैसेज होता है वो ट्यूब से फ्लो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए फ्लू गैसेज जो हो रहा है वो इकोनोमाइज़र से आ रहा है, वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे कहाँ से कहाँ किस में इकोनोमाइज़र कहाँ पर लगा हुआ है, एयर फ्री हीटर कहाँ पर लगा हुआ है, वो सीरियल वाइज हम लोग लास्ट में देख लेंगे। फिलहाल आपको समझना है यहाँ पर कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो फ्लू गैसेज इसमें सप्लाई हुआ, जो येलो दिख रहा है वो सब फ्लू गैसेज है। अब ये नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ पर वर्टिकल ट्यूब्स लगे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो फ्लू गैसेज जो एग्जॉस्ट हो रहा है, पहले क्या होता है कि बॉयलर में गया, बॉयलर से सुपर हीटर जाता है, सुपर हीटर से फिर इकोनोमाइजर से फ्लू है गैस, फिर एयर पे हीटर में, एयर पे हीटर से फिर वो चिमनी से वो बाहर चला जाता है। वो सीरियल हम लोग लास्ट में देखेंगे जब लेआउट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि फ्लू गैसेज आया, फ्लू गैसेज इस ट्यूब्स के थ्रू क्या गया, वो फिर ऊपर से चला गया, वो चिमनी में चला गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ट्यूब्स लगा दिए, ट्यूब्स के अक्रॉस क्या करते हैं हम लोग फ्रेश एयर जो इनलेट एयर है उसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर जो भी लाइट आपको ब्लू टाइप का दिख रहा है उससे हमें फ्रेश एयर वो सप्लाई हो रहा है, फ्रेश एयर ऐसे गया। अब ट्यूब्स में हॉट गैसेस फ्लो हो रहा है, तो हॉट गैसेस फ्लो हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं जो एयर के टेम्परेचर से ज़्यादा ही होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि वो अपना हीट रिलीज़ कर देगा, जो जिसका एयर जो आ रहा है, एयर आ रहा है उसका टेम्परेचर लो होने की वजह से हीट का वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर होगा तो जो भी फ्रेश एयर आ रहा था जिसका टेम्परेचर लो था वो हॉट के फॉर्म में आपको कंबशन चैम्बर में चला जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट एयर आउटलेट टू द कंबशन चैम्बर ऑफ द बॉयलर, वहाँ से कंबशन चैम्बर में बॉयलर में चला जाता है। यहाँ पर एक बेफल दिख रहा होगा, बेफल का यूज़ आपको वहाँ पर भी हमने देखा था, ये ट्यूब्स को सेपरेट करता है और ट्यूब्स को होल्ड करके रखता है यहाँ पर सेपरेट, और उसके बीच में गैप भी रखता है और उनको होल्ड करके रखता है। ये बेफल हो गया, यहाँ पर भी बेफल दिख रहा है, ये ट्यूब्स हो गए, ये फ्लू गैस चिमनी से वो बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर फ्लू गैस इकोनोमाइजर से आ रहा है वो लास्ट में हम लोग आप समझ लीजिएगा कैसे लगा हुआ होता है। यहाँ पर थोड़ा सा भी लास्ट में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा वन बाई वन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इकोनोमाइजर कहाँ पर लगा हुआ वो देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट लास्ट में आपका एक भी डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए आप लोग। और यहाँ पर कुछ फ्लू गैसेज में अगर कुछ डस्ट पार्टिकल है या वाटर वेपर है अगर कहीं से आ गया है तो वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वही लिख रहा है डस्ट एंड वाटर वाश, यहाँ पर हॉपर होता है वो जिसको क्या करता है डस्ट और वाटर को यहाँ पर नीचे सेटल डाउन कर लेता है। तो ये हमने एयर प्रीहीटर समझ लिया है, अब आगे देखते हैं।
सेकंड इकोनोमाइजर देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी बताया था लेक्चर में एक कि इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर के बारे में। तो इकोनोमाइजर का यूज़ हम लोग जो भी फ्रेश एयर, जो भी फ्रेश वाटर, जो भी वाटर आ रहा है, जो पंप से वाटर आ रहा है, उस वाटर का हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइजर में सप्लाई करते हैं। और जो भी फ्लू गैसेज सुपर हीटर से आया था, मतलब जो भी फ्लू गैसेज, जो हॉट गैसेज चिमनी के थ्रू बाहर जाने वाला था, उसके पहले हम लोग क्या किए, उस फ्लू गैस के थ्रू हम लोग क्या किए, वाटर को ट्यूब से पास करा दिए, जिसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी हीट था उसके पास, एग्जॉस्ट गैसेस के पास जो हीट था, वो जो भी फीड वाटर था, जो वाटर था सप्लाई होने वाला था बॉयलर के अंदर, जो भी फीड वाटर था, फीड वाटर मतलब वाटर जो पंप से आ रहा था, उस पंप में हम लोग क्या करते हैं, पंप से जो वाटर बाहर आता है उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइजर से क्रॉस करा देते हैं, जिसके वजह से जो भी प्रेशराइज्ड जो वाटर था उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होने के बाद फिर हम लोग उसको बॉयलर में सप्लाई करते हैं। इकोनोमाइजर का यूज़ हम लोग वाटर को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो वाटर आ रहा है, फीड वाटर आ रहा है। और आपको एयर प्री हीटर का यूज़ हम लोग करते हैं, जो भी फ्रेश एयर आ रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर एयर लगा हुआ है तो ये एयर के लिए यूज़ करते हैं, और इकोनोमाइजर का यूज़ हम लोग वाटर के लिए करते हैं। ये दो डिफरेंट थिंग है, आपको ध्यान में रखना है इसको। अब आगे देख लेते हैं पॉइंट वाइज। इट इज़ अ डिवाइस इन विच द वेस्ट हीट ऑफ द फ्लू गैसेज इज यूटिलाइज फॉर हीटिंग दैट फीड वाटर। जो भी फीड वाटर है, मतलब फीड वाटर मतलब जो पंप से आता है, मतलब जो इन कर रहा है बॉयलर के अंदर, हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं तभी तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो भी फीड वाटर है उसको हीट करने के लिए हम लोग फ्लू गैसेस का यूज़ करते हैं इस डिवाइस में। एक तरह का डिवाइस है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे होते हैं, इन ट्यूब्स से वाटर फ्लो करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है, और बाहर में हम लोग हॉट गैसेस कॉन्टैक्ट में लाते हैं। जो भी हॉट गैसेज बाहर जाने वाला था चिमनी से, उसके पहले पहले हम लोग इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद एयर प्रीहीटर। तो पहले इकोनोमाइजर लगाते हैं, सीरियल हम लोग देख लेंगे, आप अभी कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। बस अभी हम लोग याद करना है कि अभी हमने ध्यान में रखना है कि फ्लू गैसेस का क्रॉस कराते हैं, फ्लू गैसेस वहां पर ट्यूब से टच होकर पास करवाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। टू रिकवर सम ऑफ द हीट बींग कैरिड ओवर बाई एग्जॉस्ट गैसेज, दिस हीट इज यूज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ हीट वाटर सप्लाई टू द बॉयलर। वही बोल रहा है कि जो भी हीट, वेस्ट हीट जो फ्लो हो रहा था एग्जॉस्ट गैसेज से, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो भी फीड वाटर इन कर रहा था बॉयलर के पहले पहले, जो बॉयलर में जाने वाला था उसके पहले, हम लोग क्या करते हैं उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, जो भी हीट उसके पास एग्जॉस्ट गैसेस के पास होता है। इफ़ द बॉयलर इज फेड विद कोल्ड वाटर इट मे रिजल्ट इन चिलिंग द बॉयलर मेटल। जो भी अगर हम लोग कोल्ड वाटर उसमें सप्लाई कर देंगे, आपको ध्यान में होगा अगर कोल्ड वाटर हम सप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, बॉयलर का जो वाल है या बॉयलर का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करके भेजते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर हमें एफिशिएंसी, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी हमें ज़्यादा मिल जाएगा, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फ्लू गैसेज जो वेस्ट हो रहा है हम लोग यूटिलाइज कर लिया। पहले सबसे पहले हमने एयर प्री हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर सुपर, आगे देखेंगे वहाँ पर भी यूटिलाइज होगा, सुपर हीटर में भी यूटिलाइज होगा, जिससे कि क्या होता है आपको सबका यूज़। इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट का एफिशिएंसी हो, जो बॉयलर हम यूज़ कर रहे हैं, बॉयलर में जो गैसेज आ रहे हैं उसका यूज़ करके हम लोग ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जो हमने कंबशन किया, कंबशन के बाद जो एनर्जी मिला और जो फाइनल आउटपुट एनर्जी मिल रहा है, वो एनर्जी ओवरऑल जो एफिशिएंसी हम निकालेंगे वो एफिशिएंसी ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए हम सबका यूज़ कर रहे हैं। अब इकोनोमाइजर कैसा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये इकोनोमाइजर है, वो नंबर ऑफ ट्यूब्स ही सब में लगे होते हैं, सबका यूज़ वही है, नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे होते हैं। यहाँ पर वाटर इन कर रहा है, वाटर इन हमने कराया, यहाँ पर ट्यूब से ये वाटर सर्कुलेट होता रहेगा ऐसे। आपको ध्यान में होगा इस टाइप का ट्यूब आपको रेफ्रिजरेटर में भी पीछे में नज़र आता है कभी कभी, छोटा वहाँ काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी थीन रहता है वो, उसका डायमीटर बहुत ही कम रहता है, बिकॉज वहाँ पर गैसेस के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये एक तरह का इकोनोमाइजर है, नंबर ऑफ़ ट्यूब्स लगे हुए होते हैं, और फ्लू गैसेज को ऐसे हम लोग क्रॉस करा देते हैं ट्यूब से, ट्यूब के सर्फेस से वो टच होते हुए वो ऊपर की तरफ जाते जाता है, जिससे क्या होता है जो भी हीट था फ्लू गैसेज के पास, वो हीट क्या होता है यूटिलाइज होते जाता है हमारा वाटर को हीट करने में, जिससे कि जो भी इनलेट का वाटर का टेम्परेचर था वो, जाहिर सी बात है जो आउटलेट का वाटर का टेम्परेचर है, वो आउटलेट का वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो इनलेट का वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। आउटलेट का वाटर जो हमें मिलेगा इकोनोमाइजर के बाद, उसका टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा वाटर जो इन कर रहा है उससे ज़्यादा होगा, बिकॉज जो भी फ्लू गैसेज जो रिलीज़ हो रहा था, जो चिमनीज के थ्रू बाहर जाने वाला था, उसका हीट को हमने यूटिलाइज कर लिया वाटर को हीट करने में। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर इकोनोमाइजर लगा हुआ है, कैसा दिखता है ये एक्चुअल में वो देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब्स आपको दिखेगा, यहाँ पर इस टाइप का ये रहता है। अब देखिए यहाँ पर वाटर का इनलेट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इनलेट आउटलेट, आप इस टाइप का एक इधर भी लगा हुआ होगा, एक आउटलेट की तरफ भी लगा हुआ होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्यूब्स लगे हुए हैं, उसी में वाटर सर्कुलेट होते रहता है, और बीच बीच में कुछ गैप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे के साइड से, या यहाँ पर नीचे के साइड से क्या होता है, वहाँ पर हॉट गैसेज जो होता है सर्कुलेट होते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, वो अंदर में होता है, वो मैं बाहर से करके दिखा रहा हूँ, यहाँ अंदर से वो ऊपर होते हुए चला जाएगा, जिससे क्या वो जो भी हीट था हॉट गैसेज के पास वो यूटिलाइज हो जाएगा, वाटर जो इन कर रहा है उस वाटर को हीट करने में, वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। तो ये इकोनोमाइजर हमने देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं आगे।
सुपर हीटर। तो सुपर हीटर के बारे में आपको ऑलरेडी बैबकॉक एंड विलकॉक्स जब पढ़ा रहा था वहाँ पर एक ड्रम जैसा दिखाया था, वहाँ पर सुपर हीटर के बारे में आपको बताया था लेक्चर में। तो फिर भी मैं बता देता हूँ सुपर हीटर क्या होता है। एक तरह का डिवाइस होता है जो स्टीम के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए काम आता है। जो स्टीम हमें बॉयलर से मिल रहा है उसको और थोड़ा सा हीट करता है। हीट करने का कुछ रीज़न होता है बिकॉज कुछ हीट लॉसेज भी होती है पाइप से सर्कुलेट होते टाइम, कुछ हीट का लॉसेज होता है टर्बाइन में इन करने से पहले, कुछ हीट का लॉसेज होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्टीम वहाँ पर टर्बाइन तक पहुँचते उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बिलो होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा वाटर फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से टर्बाइन ब्लेड में इरोजन का भी चांसेस होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा सुपर हीट कर देते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने से जो भी स्टीम वहाँ पहुँच रहा है अगर लॉसेज भी हो रहा होगा उसमें हीट का, तो वो कंप्लीट स्टीम के फॉर्म में ही हमें टर्बाइन में मिलेगा। इसलिए हम लोग सुपर हीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आपको फ्लू गैसेज का ही यूज़ करना है। फ्लू गैसेज का जो हीट है जो बॉयलर के बाद हम लोग सुपर हीटर लगा देते हैं, जो भी बॉयलर से फ्लू गैसेज आ रहा है, हॉट गैसेज बाहर निकल रहा था उसके बाद हमने सुपर हीटर लगा दिया। सुपर हीटर में भी वही होता है, आपको जो भी स्टीम है स्टीम को हमने सर्कुलेट किया और उसके बाहर से जो भी हॉट गैसेज था वो सर्कुलेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है स्टीम का, 5 to 10 degrees इंक्रीज़ कर गया तो हमारा काम हो जाता है। द फंक्शन ऑफ सुपर हीटर इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम जनरेटेड बाई बॉयलर। जो भी स्टीम जनरेटेड हुआ है बॉयलर से, जो जनरेट हुआ है उसी का टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करता है। तो हमने 3 things देखा यहाँ पर। फर्स्ट एयर प्री हीटर, तो एयर प्री हीटर में आपको ध्यान में होगा हमने बताया ये एयर का टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। फिर हमने देखा इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर क्या करता है ये वाटर जो बॉयलर में इन करता है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और फिर अभी हम लोग देख रहे हैं सुपर हीटर। तो सुपर हीटर जो होता है वो क्या करता है, जो स्टीम बॉयलर से रिलीज हो रहा है निकल रहा है उसी का टेम्परेचर को इंक्रीज करने का ये काम करता है सुपर हीटर। सुपर हीटर एक तरह का हीट एक्सचेंजर ही होता है जो हीट को एक्सचेंज करता है। आगे देख लेते हैं, सुपर हीटर्स आर द हीट एक्सचेंजर, लॉसेज ड्यू टू कंडेंसेशन इन द सिलेंडर्स एंड स्टीम पाइप्स आर रिड्यूसेज। जो भी लॉसेज हो रहा है सिलेंडर में कंडेंसर में उसके वजह से, सिलेंडर में हो गया या पाइप्स में हो गया उसके वजह से जो लॉसेज हो रहा है या कंडेंसेशन के वजह से जो लॉसेज हो रहा है स्टीम में या स्टीम पाइप में या सिलेंडर में, तो वो लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टीम को थोड़ा सा स्लाइटली टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा 100 से इसको इंक्रीज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 110 डिग्री कर देंगे, 115 डिग्री कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर लॉसेज भी होगा तो वो टर्बाइन में जाते जाते वो स्टीम के फॉर्म में ही रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करके हम लोग वहाँ भेजते हैं। तो आगे देख लेते हैं, और सबका मेन पर्पस वही है, जितना भी हम लोग एक एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं सबका मेन पर्पस है कि प्लांट जो स्टीम प्लांट है उस प्लांट का एफिशिएंसी को, ओवरऑल एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना है। माउंटिंग का आपने देखा था वहाँ पर सब बॉयलर के सेफ्टी के लिए हम लोग यूज़ करते थे, बट यहाँ पर आपको ध्यान में होगा यहाँ पर जो भी हम एफिशिएंसी यूज़ करते हैं वो स्टीम प्लांट का एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे देख लेते हैं फीड वाटर एक यूज़ होता है, पहले सुपर हीटर दिखता कैसे है, तो सेम आपको इकोनोमाइजर जैसा ही दिखेगा, वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट वहाँ पर स्ट्रक्चर था, बट आपको दिखने में वैसे ही लग रहा होगा कि नंबर ऑफ कॉइल्स लगे हुए हैं, ट्यूब्स लगे हुए हैं, यहाँ से मान लीजिए कि स्टीम इन करता है, स्टीम ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे सर्कुलेट होते रहता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे हुए होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम कॉन्टैक्ट में आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम कॉन्टैक्ट में आएगा फ्लू गैसेज से तो ज़्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। अगर हम लोग सिंगल कॉइल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर स्टीम का ट्रांसफर कम होने का चांसेस है, और अगर ज़्यादा कॉइल यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा हॉट गैसेज जो होगा वो स्टीम के जो स्टीम का कॉइल है जिसमें स्टीम फ्लो हो रहा है उसके कांटेक्ट में आएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा हमें जो स्टीम मिलेगा फाइनल यहाँ से आउटपुट मिलेगा उसका टेम्परेचर जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा अगर हम लोग सिंगल यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम सुपर हीटर का यूज़ करते हैं, स्टीम को हम लोग क्या करते हैं वो सुपर हीट कर देते हैं। अगर सेचुरेटेड कंडीशन में है मतलब जस्ट वो स्टीम में कन्वर्ट ही हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं उसका टेम्परेचर को थोड़ा सा हीट कर देते हैं, 5 to 10 degrees इंक्रीज कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम है वो, मतलब सुपर हीट कर दिए हैं, सेचुरेटेड वेपर के से थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर वो चला गया है। अब आगे देख लेते हैं, ये सुपर हीटर हो गया। फीड पंप, तो फीड पंप आपको ऑलरेडी पंप जो पढ़ाया था वही है फीड पंप, मतलब यहाँ पर वाटर को इन करने के लिए बॉयलर में जो वाटर को इन करता है, वाटर को सप्लाई देता है बॉयलर के अंदर, उसी को हम लोग फीड पंप बोलते हैं। तो सेम आपको फीड पंप है, जैसे हमने वहाँ पर पंप का लेक्चर देखा था एक सेपरेट, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो वही है यहाँ पर फीड पंप का कहने का मतलब, जो भी वाटर को फीड कराता है बॉयलर के अंदर उसको हम लोग फीड पंप बोल देते हैं। इसका मेन पर्पस वही है, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। फीड पंप इज अ पंप विच इज़ यूज टू डिलीवर फीड वाटर टू द बॉयलर, बॉयलर के अंदर फीड वाटर सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। These pumps are normally high pressure units that take suction from a condensate return system and to be of the centrifugal pump type or positive displacement type. तो ये क्या बोल रहा है कि एक तो हाई प्रेशर पंप होता है यहाँ पर, उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और क्या करता है जो भी कंडेंसेशन जो कंडेंसर वहाँ पर लगा होता है, कंडेंसर के बाद जो
लिक्विड आता है उसको क्या करता है, यहाँ पर उसको पम्प्ड करके उसका प्रेशर को इंक्रीज करके, या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप या तो वहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा सप्लाई करना है वहाँ पर, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए वाटर का, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ कर लेते हैं, और अगर वॉल्यूम लेस चाहिए, प्रेशर हाई चाहिए, तो हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ कर लेंगे। आपको तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ये चीज़ें, तो पंप का यूज़ आपको ध्यान में हो गया यहाँ पर कि पंप का यूज़ हम लोग वाटर को, फीड वाटर को डिलीवर करने के लिए, बॉयलर के अंदर डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं, बॉयलर के अंदर सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी देख लेते हैं फीड पंप, आपको एक इमेज के फॉर्म में आपको दिखा दे रहा हूँ फीड पंप कैसा दिखता है। एक तरह का आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मोटर, ये पंप नहीं है। यहाँ पर कपल किया गया हुआ है मोटर से, मोटर को पंप से। यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर आप काफ़ी लेंथ ज़्यादा दिख रहा होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर इंपेलर लगा हुआ होता है, इंपेलर लगा हुआ यहाँ एक तरफ से इन होता है और एक तरफ से वाटर आउट होता है। तो ये हमारा फीड पंप है, वो प्रेशर कितना रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम लोग लगा देते हैं। कभी कभी वन से ज़्यादा भी हमें फीड पंप लगाना पड़ता है, तो वो प्रेशर के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई करते हैं वहाँ पर। तो ये हमने देख लिया फीड पंप, फोर्थ थिंग हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने क्या देखा, एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर का यूज़ हम लोग क्या किए, एयर को, एयर का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए कर लिए यूज़। उसके बाद हम लोगों ने इकोनोमाइज़र देखा, इकोनोमाइज़र का यूज़ हमने वाटर को, वाटर के टेम्परेचर को, फीड वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए किया। और सुपर हीटर फिर हमने देखा, सुपर हीटर का यूज़ हमने क्या किया, जो भी स्टीम जनरेट हो रहा था स्टीम के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए कर लिया। और फीड वाटर का यूज़, फीड पंप का यूज़ हमने पंप वाटर को सप्लाई करने के लिए, बॉयलर में वाटर को सप्लाई करने के लिए यूज़ कर लिया। ये थ्री थिंग्स, फोर थिंग्स हमने देख लिया, ये हमारा बॉयलर का माउंट, बॉयलर का एसेसरीज़ है ये सब। अब आगे देख लेते हैं, अब आपको बता रहा था कि बॉयलर का एसेसरीज जो है बॉयलर के साथ कैसे कैसे कनेक्टेड होता है, वो आपको एक लेआउट के फॉर्म में बताऊंगा, तो वो लास्ट आप देख लीजिए कैसे कैसे कनेक्टेड होता है, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से समझिएगा आप। तो देखते हैं, तो देखिए ये आप लोग, ये बॉयलर है, यहाँ बॉयलर से जो बर्निंग हुआ वहाँ से ऐश रिलीज हुआ, तो ऐश को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, एसपीट में वो आ जाएगा। उसके बाद जो स्टीम स्टीम जनरेट हुआ, तो स्टीम को हमने सप्लाई कर दिया क्या, सुपर हीटर में, सुपर हीटर में सप्लाई किया। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉयल्स ऐसे ऐसे लगे हुए होंगे जैसे आपको दिखा रहा था सुपर हीटर का, वहाँ नंबर ऑफ कॉयल्स लगे होंगे। और जो गैसेज जो फर्नेस से निकल रहा है, हॉट गैसेज, तो बॉयलर में तो यूज़ हो गया वो, उसके बाद भी उसके पास कुछ टेम्परेचर, कुछ हीट तो उसके पास ज़रूर रहता है। जैसे कि आप बाइक में भी देखते होंगे, जो बाइक से एग्जॉस्ट निकलता है उसके पास भी सफिशियंट हीट होता है, जबकि वहाँ पर बर्निंग देखिए कितने छोटे से सिलेंडर में होता है। यहाँ पर तो समझिए कि बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा बॉयलर होता है, काफ़ी हाई अमाउंट में कोयल कोल को बर्न किया जाता, तो इसका टेम्परेचर समझ सकते हैं आप कितना हाई होगा। यहाँ पर जो हॉट गैसेज गया उसको क्या किया हमने, सुपर हीटर के कॉयलर में क्रॉस करा दिया, जिसके वजह से जो भी स्टीम था कॉयल में फ्लो हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, वो उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो गया, वो सुपर हीटेड फॉर्म में हो गया। और फिर उस सुपर हीटेड स्टीम को हमने क्या किया, टर्बाइन जहाँ पर था, जो इंजन था वहाँ पर हमने सप्लाई कर दिया टर्बाइन के पास। ये हमारा स्टीम का सप्लाई यहाँ पर हो गया। अब स्टीम यहाँ पर काम, स्टीम का सप्लाई जहाँ देना था वहाँ दे दिया हमने। अब जो हॉट गैसेज है वो और आगे तरफ बढ़ते जाता है, कहीं ना कहीं उसको तो हमने चिमनी के थ्रू बाहर निकालना है, तो हॉट गैसेज को हमने आगे की तरफ सर्कुलेट करा दिया। उसके बाद हमने सुपर हीटर के बाद क्या किया, एक इकोनोमाइज़र लगा दिया यहाँ पर। आप सीरियल यहाँ पर समझ लीजिएगा, पहले सुपर हीटर लगा होता है, फिर इकोनोमाइज़र लगा होता है, फिर लास्ट में एयर प्री हीटर लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा, पहले सुपर हीटर लगाते हैं बॉयलर के बाद, जब सुपर हीटर स्टीम को, स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, फिर हमने इकोनोमाइज़र लगा दिया। इकोनोमाइज़र में भी नंबर ऑफ कॉयल्स ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। तो इकोनोमाइज़र काम क्या है, देखिए यहाँ पर पंप लगा हुआ है, फीड पंप, वो पंप से जो वाटर जा रहा था, पंप के बाद वाटर जो जा रहा था बॉयलर के अंदर, उसका उसको क्या किया हमने, कॉयल्स के थ्रू वहाँ पर हॉट गैसेस को सर्कुलेट करा दिया। ऐसे ऐसे सर्कुलेट कराने के बाद जो यहाँ से इकोनोमाइज़र से वाटर बाहर आया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और हॉट वाटर यहाँ से फिर बॉयलर में सप्लाई हो गया। अब आगे देखते हैं, उसके बाद जो हॉट गैसेज रिमेनिंग बचा हुआ है, मान लीजिए थोड़ा बहुत उसके पास एनर्जी और होगा, सारे हीट को तो हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम, तो जो भी हीट उसके पास बचा होगा, हमने यहाँ पर एक एयर प्री हीटर लगा दिया। एयर प्री हीटर लगाने के बाद हम लोग क्या किया, जो भी एयर, फ्रेश एयर आ रहा था फर्नेस में जाने के लिए, उसको हमने एयर प्री हीटर से सप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉइल्स लगे होते हैं, ट्यूब्स लगे होते हैं, तो हॉट गैसेस को हमने ट्यूब से क्रॉस करा दिया और फ्रेश एयर को हमने ऐसे नॉर्मली उस ट्यूब से टच होकर क्रॉस करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी एयर बाहर आया वो हॉट फॉर्म में आया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ आया। उसके बाद फिर उसको हमने बॉयलर में सप्लाई कर दिया, बॉयलर के फर्नेस में सप्लाई कर दिया कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कोल के बर्निंग में वो हेल्प होगा। तो सारा कुछ आपने आई थिंक कंसेप्ट समझ लिया है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर फीड पंप है, यहाँ पर फ्रेश एयर आ रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, फ्लू गैसेज बॉयलर से क्या हुआ, बॉयलर से जो भी स्टीम रिलीज़ हुआ उसको हमने सुपर हीटर में भेज दिया, सुपर हीटर में भेज दिया और वहाँ पर हमने हॉट गैसेस का सप्लाई कर दिया, जिससे कि जो भी हॉट गैसेस के पास जो टेम्परेचर जो था रिमेनिंग, कुछ टेम्परेचर चला गया स्टीम के पास, जिससे कि स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, वो सुपर हीटेड फॉर्म में हो गया और वो स्टीम को हमने टर्बाइन में भेज दिया। फिर जो भी हॉट गैसेस बचा हुआ है रिमेनिंग, बिकॉज उसका सारा टेम्परेचर तो एक बार में कंप्लीट रिमूव नहीं हो सकता है,
तो क्या हुआ फिर उसका हमने यहाँ पर इकोनोमाइजर में सप्लाई कर दिया हॉट गैसेस को, यहाँ पर भी क्वाइल्स है, वो नंबर ऑफ क्वाइल्स है वो क्रॉस होकर पास होता है, तो क्या होता है जो भी फीड वाटर जो पंप से आ रहा था वो फीड वाटर को वो हॉट कर देता है और फीड वाटर को फिर हमने बॉयलर में सप्लाई कर देना है। फिर रिमेनिंग जो हॉट गैसेज बचा हुआ है, हॉट गैसेज जो है उसके पास हीट बचा हुआ है, उसको हमने फिर चिमनी के पहले पहले तक हमने क्या किया नंबर ऑफ ट्यूब से क्रॉस करा दिया और फिर वो एयर से एयर को हीट करते हुए एयर भी हमने यहाँ से सप्लाई कर दिया, एयर को हीट करते हुए क्या किया वो चिमनी के थ्रू वो बाहर चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया सीक्वेंस, पहले सुपर हीटर, सुपर हीटर के बाद इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद एयर प्रीहीटर, ये सब लाइन से लगा हुआ होता है बिकॉज वहाँ पर वन बाय वन सबको हीट करना होता है। और जो फीड पंप होता है जहाँ पर फीड पंप लगा होता है वहीं पर लगा हुआ होगा, आपको जब लेआउट बताया था तो वहाँ पर बताया था एक फीड पंप होता है बॉयलर के पहले, तो बॉयलर के पहले एक फीड पंप रहेगा वो तो कंपलसरी है, फीड पंप यहाँ पर है। तो ये हमने लेआउट समझ लिया, आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर डाउट हो तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहें तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोवाइड है और एक paykun.com का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। अगर आप चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहें, चैनल से आप पर्सनली आप बेनिफिट पा रहे हैं और कुछ चैनल को इंप्रूव करने के लिए चैनल के फैसिलिटीज़ को या चैनल को पर्सनली कुछ हेल्प करने के लिए आप कुछ डोनेट करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए लिंक paykun.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, जो भी आप अमाउंट वहाँ पर दो लिंक दिया हुआ है दोनों में से आप जो भी आप को अच्छा लगे आप दे सकते हैं वहाँ पर। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर इससे रिलेटेड अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक यू सो मच।